दिल्ली सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। अलग अलग जनसभाओं में, दिल्ली में जितनी भी जनसभाएं होती है, वहां पर मुख्यमंत्री ये कहना नहीं चूकते कि लोग अब अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों की एक हकीकत और भी है कि स्कूलों में काम करने वाले जो इम्प्लॉई हैं, खुद जो शिक्षक हैं वो, और वहां के जो कर्मचारी हैं वो ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते। ये बात एक आरटीआई से खुलासा हुआ है। हमारे साथ आरटीआई लगाने वाले रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने की देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा, जो इतनी मोटी चिट्ठियां जो है ये अलग अलग स्कूलों से आई है, और ये सिर्फ एक जोन की चिट्ठी है। इस तरह के कई जितने भी जोन है, हर जोन से जवाब आया है और जवाब काफी चौंकाने वाले हैं। रामचंद्र जी से खुद ही जानते हैं क्या कुछ इन्होंने महसूस किया, क्या सवाल पूछा था। रामचंद्र जी, क्या सवाल पूछा था आपने? सर, ऐसा कि देखो, हमारे जो अरविंद साहब हैं, सिसोदिया साहब हैं, वो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल हमने बहुत बढ़िया कर दिया है। तो मेरे दिमाग में, और मैंने भी देखा कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग काफी बढ़िया बढ़िया है। तो मैंने फिर एक आरटीआई डाली कि भाई दिल्ली में कुल सरकारी स्कूल में कुल कितने टीचर हैं और कितने कौन टीचरों के कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते। तो मैंने उनसे एक आरटीआई के माध्यम से मैंने एक जवाब मांगा। मेरे पास लगभग 20-25 दिन बाद जब जवाब आया तो मैं उसको देख इतना हैरान रह गया भाई साहब लगभग, अगर आप जो लगभग मेरे पास जो 1000 टीचरों में लगभग मेरे का 10 या 12 के बच्चे ही स्कूल में पढ़ते होंगे। मतलब आप मान लो कि 100 में एक का ही बच्चा मुश्किल से पढ़ता है। आप देखो, जब सरकार आप देखो ये दावे करती है कि हमने स्कूल बहुत बढ़िया कर दिए, जब उनके एम्प्लॉई खुद अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, तो मैं कैसे मान लूं कि स्कूल बढ़िया हो गए? नहीं, मतलब आपके मन में ऐसा क्यों आया कि ये चीज पूछना चाहिए? मेरे मन में सिर्फ ये आया कि बार बार आप देखो बार बार दिल्ली में आपको तो आए दिन लड़ाइयाँ हो रही है, तो वजह क्या कि हमारे मैंने जगह जगह पोस्टर देखे कि भाई हमने सरकारी स्कूल बकायदे अमेरिका से भी बढ़िया कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने बढ़िया कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक बार सरकार से एक बार बकायदे आरटीआई से पूछ ही लूँ ना कि आखिर स्कूल अगर बढ़िया हो गया तो उसमें आखिर में उसकी हकीकत क्या है। लेकिन जब उसकी मैंने हकीकत देखी तो मुझे उस टाइम बड़ा दुख हुआ कि टीचर अपने बच्चों को उसमें पढ़ाना पसंद नहीं करते। अच्छा, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हो? मैं अपने बच्चों को पहले मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। मैंने सरकार का बोर्ड ही देखे ना, तो मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को सामने स्कूल है मैंने उसमें डाला। अच्छा। उसमें मैंने सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई करने के लिए भेजा। बाकी सब मिला के ठीक तो है, मतलब कि बाकी पहले से जितनी बड़ी बात कही जा रही है। नहीं, जितनी आपको, मैं देखो, मुझे देखो, बिल्डिंगें अच्छी होने से शिक्षा बढ़िया हो जाए मैं तो नहीं मानता। क्योंकि आपको जब उसमें एम्प्लॉई उसमें बच्चों को पढ़ाने की जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपने बच्चों को जब खुद पढ़ाना पसंद नहीं करते, तो मैं कैसे मान लूँ कि स्कूल बढ़िया है? कम से कम मेरे को सरकार को एक ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए कि जो भी सरकारी टीचर बका दे सरकारी स्कूल में शिक्षक होगा, वो अपने बच्चों को बका दे उसी में पढ़ाएगा, ताकि कम से कम उसको अगर उनका बच्चा अगर खुद अगर उसी स्कूल में पढ़ेगा तो मेरे ख्याल से उनकी अच्छी वो और स्कूल पर और ज्यादा बढ़िया ध्यान देंगे। खुद जिम्मेदारी उन पर ज्यादा होगी कि अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो और बेहतर किया जाए। लेकिन सरकार तो बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना रही है, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है, ये लगता नहीं कि ये सब बदलाव है? आपको बदलाव है, लेकिन आपको टीचर बाहर जा रहे हैं ना, आपको टीचर बाहर जा रहे हैं, कम से कम टीचर पहले ये भी तो सोचे ना कि आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जो सरकारी स्कूल की जो टीचर है उनकी सैलरी आपको पता है 50,000, 60,000, 70,000 का ही हो कि लाख, 1-1 लाख रुपए तक है। लेकिन आप देखो, वो अपने बच्चों को जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, उनकी जो सैलरी होती है ना, मेरे ख्याल से 25,000, 20,000, 15,000 रुपए होती है। मतलब कि इसका मतलब अगर अपने बच्चों को उन प्राइवेट स्कूलों में अगर पढ़ाते हैं, इसका मतलब कि जो सरकारी टीचर जिनकी सैलरी 1-1 लाख रुपए तक है, इसका मतलब वो ठीक नहीं है। जो 30,000 रुपये सैलरी पाने वाला प्राइवेट टीचर है वो बढ़िया है। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी तो हो रही है। कितनी चिट्ठियां आ गई आपको? आप देखो, मेरे पास जो है ना, अभी कल एक न्यूज वाले भैया आ रहे थे, उनको मैंने ऐसे 600 चिट्ठियां उनको दी। अभी आपने देखा कि आप मेरे पास अभी 10 मिनट पहले आए थे, तो लगभग 250 पन्नों का मेरे पास फिर आ गया। तो हो सकता है मेरे पास लगभग 1000, तो मेरे पास अभी 900 लेटर तो मेरे पास आ चुके हैं। जितने भी स्कूल हैं, हर स्कूल से इस तरह का जवाब? आप देखो, एक तो आप देखो, आपने एक तो देखो, इन्होंने मिसगाइड भी किया कि अगर ये चाहे, एक तो देखो सरकारी पैसे की बर्बादी है। अगर कहते, मैंने इनके हेड ऑफिस से पूछा था, कहते हेड ऑफिस वाले कहते मुझे एक लेटर मुझे मेरे 3 क्वेश्चन के मुझे जवाब दे देते, लेकिन इन्होंने मेरे घर पूरा लेटर भेज दिया। क्योंकि मैं कहते एक सिंपल लेटर मुझे बनाते हैं कि भाई इतने टीचर हैं, इतने के बच्चे पढ़ते हैं और इतने के नहीं पढ़ते। बिल्कुल, इन्होंने सही सही उदाहरण भी देकर समझाया है कि जिस स्कूल में काम करने वाले इम्प्लॉई ही
अगर अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो कोई आम आदमी, कोई जो कोई भी सामान्य आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो कैसे यकीन करे और सरकार भी उसे कैसे यकीन दिलाए कि अगर वो सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाएंगे तो उनकी बेहतरी होगी, वो बेहतर कर पाएगा। ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इस आरटीआई के जवाब से निकल कर आया है, जिस पर कि जो आरटीआई लगाने वाले उनकी उनकी डिमांड भी है कि सरकार को इस तरह का कोई ऑर्डर जारी करना चाहिए ताकि सरकारी स्कूलों के कर्मचारी और शिक्षक उसी स्कूल में अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बाध्य हों। दिल्ली से कैमरा पर्सन योगेश योगेंद्र सिंह के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।